आ जाओ भाई सभी एनडीए ऑफिसर्स एक बार फटाफट से जुड़ जाओ। आवाज वगैरह सब प्रॉपर आ रही है, एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे। जय हिंद एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल भाई सबके? की हाल चाल? जय हिंद, जय हिंद भाई। चलो भाई एक बार फटाफट से आगे बढ़ने से पहले क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। मैंने भी कर दिया है लाइक और अब मैं शेयर करने जा रहा हूं टेलीग्राम पे, ठीक है? तो आप लोग भी कर दो। तो भाई ये कर रहा हूं मैं शेयर। चलो भाई, तो जैसा कि आपको पता है वी आर इन द एंडिंग फेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के हम अंतिम पड़ाव में हैं और कुछ एकाधे इक्का दुक्का टॉपिक्स बचे हुए हैं जो हमें खत्म करने हैं, ठीक है? तो भाई उनमें से ये टॉपिक है पेंट, मैचस्टिक और गन पाउडर। तो ये टॉपिक हमें खत्म करना है क्योंकि भाई कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है पेंट से रिलेटेड, उसके पार्ट से रिलेटेड, मैचस्टिक उसकी कंपोजिशन से रिलेटेड और गन पाउडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है? चलो भाई तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले अगर हम पेंट की बात करें, भाई नोट्स पहले से लिखे हुए हैं ताकि चीजों को हम समझते हुए आगे बढ़े। तो सबसे पहले भाई हम पेंट की बात करें तो पेंट आपका दो तरीके का होता है। अभी उसके अंदर हम देखेंगे कि मेन क्या-क्या पार्ट्स है। तो आपने देखा होगा दो टाइप का पेंट होता है, एक होता है ग्लॉसी पेंट, एक होता है मैट पेंट। यानी एक पेंट ऐसा होता है जो आपका शाइन करता है, चमकता है, और एक पेंट ऐसा होता है जैसे अगर मैं मैट की बात करूं तो फैन जो है मेरे यहाँ पे मैट के है, ठीक है? मैट के अंदर फैन है, ठीक है? मैट यानी एक थोड़ा सा रफ सा कलर होता है और वो मतलब ऐसे, ठीक है? मतलब एक तो शाइनी कलर होता है, एक मैट आपने सुना होगा मैट ब्लैक, मैट मतलब मैट ब्लैक है वो, मैट ब्राउन ऐसे मतलब मैट कलर होता है, ठीक है? वो थोड़ा सा कम शाइन करता है, शाइन ज्यादा नहीं होती। तो उनमें क्या डिफरेंस होता है भाई? देखो मेन क्या क्या चीजें होती है, बाइंडर होता है, पिगमेंट होता है, सॉल्वेंट होता है, ये कुछ चीजें हैं जो मेन है पेंट्स के लिए, ठीक है? चलो बिल्कुल। तो यहां पे भाई आपका बाइंडर, पिगमेंट, सॉल्वेंट ये सब मेन कंपोनेंट। तो देखो यहाँ डिफरेंस किसका आ रहा है, तो जो मैट पेंट है उसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, बाइंडर थोड़े कम कर देते हैं, ठीक है? पिगमेंट में कोई फर्क नहीं है, फर्क कहाँ आ रहा है, एक्सटेंडर, एक्सटेंडर जो है वो डाल देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भाई शाइनिंग कम हो जाती है उससे। तो यहाँ पे मेनली हमें पेंट से रिलेटेड क्या पढ़ना है कि पेंट में क्या क्या चीजें होती है, तो बाइंडर क्या होता है, पिगमेंट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे भाई अगर हम बात करें पिगमेंट की, तो पिगमेंट आपका उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो आपका कलर प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड करता है बच्चे? कलर प्रोवाइड करता है, यानी एक पेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक कलर होगा वो प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? पिगमेंट। तो जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे भाई टाइटेनियम ऑक्साइड, ठीक है, एजुराइट हो गया, स्मेल्ट हो गया, मतलब ये कलरिंग एजेंट्स है। आपको बस एक बेसिक बेसिक आइडिया रखना है भाई, या तो भाई वो इन्हीं में से पूछेगा या फिर वो कुछ ऐसा पूछेगा, फिर उसके लिए फायदा नहीं है कि आप एक ही चीज को बहुत डेप्थ में पढ़ रहे हो क्योंकि इसके चांसेस नहीं है। आप एक चीज समझना, जब 15 क्वेश्चन आपसे वो केमिस्ट्री के पूछेगा तो 13 क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन मैं कह रहा हूं जितना आपका पहले हम पढ़ चुके हैं उनमें से ही आएगा, ठीक है? अब जो बचा एक दो सवाल
वो भी उनमें से आ सकता है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या फिर वो एक दो सवाल इनमें से किसी टॉपिक से आ जाएगा जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वो एक दो सवाल जिसके आने के चांसेस भी श्योर नहीं है, उसके लिए हम लिमिटेड मेहनत करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ज्यादा इन डेप्थ जाने का फिर बेनिफिट नहीं। या तो वो हर बार पूछता हो तब तो कुछ बेनिफिट भी है ना। तो इतने तो आप बिल्कुल समझदार हो, मुझे पता है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई बाइंडर जो है वो क्या करता है, वो आपका जो पेंट है उसको चिपकने में, दीवार से बाइंड करने में हेल्प करता है। नाम से ही पता चल रहा है बाइंडर, तो ये बाइंडिंग में हेल्प करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है पिगमेंट को कि वो दीवार से चिपक जाए, ठीक है। तो बाइंडर का काम है। सॉल्वेंट क्या करता है भाई, सॉल्वेंट जो है वो आपका थोड़ा सा मतलब पतला कर देता है पेंट को, ताकि स्मूथली जो है दीवार पे यूनिफॉर्मली वो फैल जाए कम मेहनत में। जैसे आपने देखा होगा कि जो बिल्कुल ऐसे पेंट आता है जब बहुत थिक होता है, उसमें जो आपका पेंट करने वाला होता है वो क्या करता है, कुछ ऑयल वगैरह, कैरोसिन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल, इस टाइप की चीजें मिलाता है स्मूथनिंग के लिए, कि वो एक जगह जमे ना पेंट, ऐसे यूनिफॉर्मली थोड़ा फैल जाए, थोड़ा पतला हो जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है, बिल्कुल। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चे, सॉल्वेंट यूज करते हैं जो आपका बाइंडर और पिगमेंट, ताकि वो आराम से दीवार पे फैल सके, ठीक है, इसीलिए। उसके बाद भाई जो हम एडिशनल चीजें यूज करते हैं वो आपकी हो सकती है, मान लो वाटर प्रूफिंग का कुछ यूज कर लिया हमने, उसके अलावा हमने ड्रायर वगैरह यूज कर लिया जो मतलब पेंट को ऐसा बना दे कि पेंट जल्दी सूख जाए, ठीक है। उसके बाद भाई थिनर डाल दिए, थिकनिंग एजेंट, मतलब इस टाइप की कुछ एडिशनल चीजें, ठीक है, कुछ स्मेल के लिए डाल दिया भाई, ऐसे स्मेल वाला, अच्छी स्मेल वाला पेंट है, मतलब कुछ इस तरीके से उसके अंदर एडिशनल चीजें डाल दी जो उसकी मतलब क्वालिटी को थोड़ा इम्प्रूव कर दे, तो उसके लिए हमने एडिशनल चीजें डाल दी, ठीक है। क्लियर है भाई? तो ये चीजें हैं आपकी, ठीक है भाई। अब यहां कलरिंग एजेंट्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहां से आपको क्या करना है बच्चे, मेटल का थोड़ा सा नाम याद कर लेना हल्का फुल्का, इससे आप ऑप्शन में आपको हेल्प मिलेगी जब आप उसको जो है वो कर पाएंगे, ताकि ऑप्शन अगर कई बार पूछा गया पहले, अब तो बहुत टाइम से नहीं आया, हालांकि जब मैं क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगा कुछ लास्ट में तो उन क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड कर लूंगा कलरिंग वगैरह वाले, तो आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा, क्योंकि कुछ ही चीजें हैं वो बार बार रिपीट करता है। तो यहाँ एलिमेंट्स के नाम याद रख लो, इससे आपको हेल्प मिलेगी ऑप्शन एलिमिनेट करने में। जैसे आपका भाई स्ट्रोंटियम की अगर सॉल्ट है तो उनका कलर होता है रेड, तो कल को अगर स्ट्रोंटियम के कोई सॉल्ट वो पूछ ले आपसे तो रेड जो है कलर उनका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपका कैल्शियम का अगर सॉल्ट है तो ऑरेंज कलर है भाई, ठीक है। सोडियम का सॉल्ट है तो येलो कलर, बैरियम का सॉल्ट है तो ग्रीन कलर, ठीक है। कॉपर का सॉल्ट है तो ब्लू कलर, आपका ये भाई कॉपर स्ट्रोंटियम का मिक्स है तो पर्पल कलर, ये मैग्नीशियम एल्यूमिनियम है तो आपका वाइट सिल्वर इस टाइप का कलर, मैग्नीशियम है, ठीक है, आपका एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, देखो अभी टाइटेनियम ऑक्साइड देखा था तो वो कैसा कलर होता है भाई, उसका वाइट होता है टाइटेनियम ऑक्साइड का। तो एक हल्का फुल्का दिमाग में आप रख लो, ठीक है, और अगर स्किप करना है तो आपकी मर्जी है, कर सकते हो, ठीक है। चलो चलो भाई, बाकी सबने लाइक का बटन नीला कर दिया होगा, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप लोग ऐसे नहीं करते बिना कहे, है ना। तो अभी भी यहाँ पे 20 बच्चों ने नहीं किया है, अब भाई बात करते हैं सेफ्टी मैचेस की। अगर हम सेफ्टी मैच की बात करें तो भाई देखो इससे आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले मैच बॉक्स, देखो आपको थोड़ा सा बताता हूं इसके बारे में। आपने देखा है कई बार ऐसे फिल्मों वगैरह में या किसी इवेंट में ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे सर से रगड़ा माचिस जल गई, किसी और सरफेस से रगड़ा जल गई, पॉसिबल है ऐसा। सेफ्टी मैचेस सिर्फ सेफ्टी के लिए बनाई गई है, वरना आप एक मैच बॉक्स भी बना सकते हो, यानी मैचेस भी बना सकते हो,
जिसको सिर्फ एक सरफेस चाहिए इग्निशन के लिए, चाहे वो फिर कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेफ्टी मैचेस का कंसेप्ट लाया गया। सेफ्टी मैचेस का मतलब है एक ऐसी तिल्ली, एक ऐसी माचिस जो सिर्फ एक स्पेसिफिक सब्सटेंस पे ही रब करने से जलेगी, ठीक है, वो सेफ्टी मैचेस का कंसेप्ट था। वरना एक सेफ्टी मतलब जो नॉर्मल मैच है, ठीक है, जो भाई आपका एक नॉर्मल मैच है, मैच बॉक्स है, वो आपका किसी भी सरफेस पे आप थोड़े रफ सरफेस पे रब करोगे तो वो जल जाएगा। लेकिन यहाँ पे भाई हम बात करें सेफ्टी मैचेस, तो लाइटन्स ओनली बाय रबिंग ऑन पर्टिकुलर सरफेस। एक पर्टिकुलर सरफेस पे जब आप रब करेंगे तो तभी जो है आपका वो जलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपका कैसे, एक एग्जाम्पल से देखें क्या क्या यूज होता है। तो भाई रेड फॉस्फोरस यूज होता है, ठीक है, रेड फॉस्फोरस। इस पे सवाल आया हुआ है कि क्या यूज होता है, ऑप्शन में रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस ऐसे थे, तो रेड फॉस्फोरस यूज होता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे भाई उसके अलावा भाई एंटीमनी सल्फाइड है, ठीक है, ये यूज हो सकता है। और भाई जो माचिस होती है उस पे आपका पोटेशियम क्लोरेट, ये याद रखना KClO3 पोटेशियम क्लोरेट यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लास पाउडर ये भाई फ्रिक्शन के लिए डाल देते हैं ताकि फ्रिक्शन, आपने देखा होगा दो तरीके की माचिस होती है, एक ऐसे प्लेन आती है जो, एक जिसमें ऐसे डॉटेड रहते हैं। आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताओ ज्यादा अच्छी कौन सी रहती है, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताओ ज्यादा अच्छी कौन सी रहती है, मैं देखना चाहता हूं। दिया सलाई वर्ड सुना है भाई मैंने, आई डोंट नो किस रीजन में है, आई थिंक उस तरफ यूपी के दूसरे एंड पे चले जाओ, उस तरफ बिहार साइड हो गया, वेस्ट बंगाल साइड, उस तरफ की लैंग्वेज में आई थिंक। बताओ भाई, बताओ दोस्त, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं इसके बारे में, कौन सी अच्छी है, डॉट वाली। वैसे सोचो अगर कोई एकदम से आ जाए चैट देखे और चैट में ऐसे शब्द देखे, कहेंगे क्या चल रहा है ये क्लास में। चलो भाई कोई डबल मीनिंग बात नहीं करेगा, ठीक है। देखो भाई यहां पे भाई देखो, आपने देखा होगा कि ये यूजुअली माचिस पूरी भी खत्म नहीं होती और ये खराब हो जाती है और फिर ये काम नहीं करती, ठीक है, और उस पे अगर हम रब करते हैं तो वो माचिस नहीं जलती। क्यों? क्योंकि उसको फ्रिक्शन नहीं मिल पाता, ठीक है। तो यहां पे भाई आपका जो ये वाली, इसके अंदर ग्लास पाउडर वगैरह यूज किया जाता है फ्रिक्शन के लिए, और इसमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो ये भाई ज्यादा अच्छे से जो है इग्निशन मिलता है उसको, ठीक है। देखो भाई तो यहां पे आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो रेड फॉस्फोरस, कि फॉस्फोरस में रेड फॉस्फोरस यूज किया जाता है, ठीक है, तो फ्रिक्शन वगैरह के लिए ग्लास पाउडर। उसके बाद भाई KClO3 पोटेशियम क्लोरेट जो है वो आपका मसाले की तरह यूज किया जाता है, जो जलता है, ठीक है। अच्छी बात है भाई विशाल, बहुत बढ़िया, ऐसे ही मेहनत करते रहो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है भाई गन पाउडर। तो गन पाउडर भाई ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या क्या यूज होता है, ठीक है, एक इग्निशन तो चाहिए ना भाई उसको जलने के लिए। आपने देखा नहीं ऐसे पत्थर से भी वो करते थे, हम रब करते थे तो वहां पे भी कुछ पर्टिकुलर पत्थर थे, उनको ऐसे फ्रिक्शन मिलता था तो चिंगारी बनती थी, तो वही वाला कंसेप्ट। भाई
उपाध्याय जी, अब ऐसे तो मैं कैसे कंपैरिजन कर दूं कि 3.0 का और अभ्यास 4.0 का कंटेंट सेम है, बट हाँ इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके मैं ये बोल सकता हूं कि आपने अगर अभ्यास अभ्यास 2.0, 3.0, 4.0 किसी से भी सिलेबस कवर कर लिया तो पेपर आपका अच्छा जाएगा, पेपर में सवाल बन जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं मैं कह सकता कि कुछ भी चेंज नहीं है, क्या पता कुछ एक आधा टॉपिक मैंने ऐड इधर उधर कर दिया हो, तो वो मैं नहीं कहता, बट हाँ इस बात की मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ पे भाई गन पाउडर में तीन चीजों का रोल रहता है, आपका पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर। अब भाई इसका क्या जो है यहाँ पे वो रहता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट 75% यूज होता है KNO3, चारकोल 15%, सल्फर 10%। अब जो आपका चारकोल है ये फ्यूल की तरह काम करता है, ठीक है, ये फ्यूल का काम करता है। जो आपका पोटेशियम नाइट्रेट है, जिसे सॉल्ट पिटर भी कह सकते हो, ये भाई आपका जो क्या करता है, ऑक्सीजन देता है कंबशन रिएक्शन के लिए। जो KNO3 है इससे ऑक्सीजन आती है, जब चीज गन पाउडर जब जलने लगता है तो वो जब बर्न होता है तो ऑक्सीजन तो चाहिए, कंबशन रिएक्शन है तो ऑक्सीजन तो चाहिए, है ना? ठीक है भाई। हाँ भाई विशाल कहीं से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भाई आपका जो ये है KNO3 ऑक्सीजन सप्लाई करता है। सल्फर का काम क्या है भाई, सल्फर जो है इग्निशन टेम्परेचर कम कर देता है। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर कम कर देता है ताकि वो जल जाए, आपका जल्दी जले। ठीक है, ऐसा ना हो कि मतलब जिस चीज के लिए जला रहे हो, फायर कर रहे हो, जल ही नहीं रहा। तो यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर होता है आपका वो टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिससे कोई चीज कम्बशन स्टार्ट करती है, तो उसको कम करने के लिए सल्फर डाला जाता है। ठीक है, तो सल्फर की मात्रा बहुत प्रिसाइजली डाली जाती है, थोड़ी इधर उधर ना हो जाए। तो ऑटोमेटिक कई बार फायर कैच ना कर ले तो ग्रेफाइट जो है वो डाला जाता है। एक तो भाई मॉइस्चर वगैरह एब्जॉर्ब कर लेता है, पता चले रखी रखी जो है आपकी बुलेट खराब हो गई तो उसको अवॉइड करने के लिए फ्री चार्ज जो अगर जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि यूजुअली जो गन है या बुलेट की शील्ड वगैरह वो मेटलिक होती है, तो किसी फ्रिक्शन वगैरह की वजह से उस पे चार्ज ना आ जाए और उस चार्ज की वजह से फायर कैच ना कर ले। पहले ज्यादा होता था ऐसा, आपने सुना होगा। ठीक है भाई, पीपीटी उपाध्याय जी देखो, एक तो अभी नोट्स यूज किए मैंने एक दो चैप्टर के, अदरवाइज पीपीटी पे वही है, थोड़ा सा चीजें मैनेज रहे इस वजह से यूज किया। ठीक है भाई, चलो तो यहाँ पे भाई फ्री चार्ज जो बन रहा है, चार्ज वगैरह एडिशनल, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि चीजें आपकी जो है वो मतलब अपने आप ऑटोमेटिक जो है फायर कैच ना करे। पहले ऐसा ज्यादा होता था कि ऐसे आग लग गई, आपने सुना होगा राजा उसके एमुनेशन वाले रूम में आग लग गई, ठीक है, तो वो चीजें होती थी, तो वो अवॉइड करने के लिए ऐसा होता। ठीक है, ठीक है भाई। यहाँ भाई इग्निशन टेम्परेचर के बारे में थोड़ा बताया हुआ है कि इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर है जो रिक्वायर्ड बाय फ्यूल टू स्टार्ट बर्निंग और टू कैच फायर। जितना ज्यादा इग्निशन टेम्परेचर होगा उतना ही लेट कोई चीज बर्न होगी, उतनी ही लेट कोई चीज जलेगी। ठीक है, जैसे इग्निशन टेम्परेचर आपका जो ये होता है पेट्रोल डीजल इनका कम होता है, ठीक है, या फिर आपका वो होता है कोई ऑयल वगैरह उसका कम होता है इग्निशन टेम्परेचर, इसीलिए आपने देखा होगा पहले जब ऐसे आग जलाते थे तो उस पे थोड़ा ऑयल वगैरह डाल के उससे जल्दी आग जो है वो जल जाती थी। उसके अलावा मान लो पॉलीथीन वगैरह, पेपर वगैरह है, इनका भी इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, तो ऐसे लकड़ी वगैरह जलानी थी तो पहले जला लिया करते थे ऐसे लोग, ठीक है, तो मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर कम करने के लिए, है ना। अब तो LPG है हमारे पास, CNG है, ठीक है, LPG कुकिंग में यूज हो रही है जो हाइड्रोकार्बन वगैरह उससे, तो इसीलिए ये चीजें जो पहले की चीजें चलती थी आपका चूल्हा वगैरह यूज होता था, ठीक है, तो वहां पे ये चीजें देखने को मिलती थी।
ठीक है। चलो भाई मैं सोच रहा हूं भाई एक अलग से एक चैनल बना लूं और उसका नाम रख देता हूं लवर्स पॉइंट, और उस पर एक स्ट्रीमिंग ऑन कर देता हूं और उस स्ट्रीम को ऐसे परमानेंट ऑन रहने देता हूं ताकि लोग आए और आपस में जोड़ियां बना ले, है ना। यही तो चल रहा है, मैसेज करो डिलीट करो। यहाँ मतलब भाई तई बातें करने का शौक है तो और भी तरीके बात करने के, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया हैं, काहे हमारी चैट को खराब कर रहे हो दोस्त, है काहे। फिर ब्लॉक मार देंगे, हमारी 1 सेकंड लगेगी। मैं अवॉइड करता हूं, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकता, एक सिंगल बटन दबाया यू आर ब्लॉक, फिर चैट नहीं कर पाओगे। लेकिन वही है, फिर मैं अवॉइड करता हूं। चलो भाई एक बार मैं शेड्यूल देख लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि मैंने उसकी क्लास नहीं लगाई। हाँ चलो भाई टॉपिक एक और पढ़ लेते हैं भाई, एज अ गिफ्ट टॉपिक। चलो भाई ये तीनों क्लियर है भाई आपको, ये तीनों क्लियर है। ये तीनों क्लियर है तो भाई हम पढ़ लेते हैं। एक आपके लिए गिफ्ट में टॉपिक है, दैट इज सीमेंट, ठीक है। बर्मा भाई आपको क्यों बताएं? नहीं भाई आज लास्ट क्लास नहीं है। अभी 2 क्लास हो आएंगी केमिस्ट्री की जो मैंने प्लान किया है, एक कल रहेगी मिसलेनियस पे जिसमें आपके डाउट्स वगैरह लूंगा मैं, और उसके अलावा कुछ और टॉपिक थोड़ा बहुत बता दिया कुछ गैसेस वगैरह के बारे में, तो वो क्लास रहेगी। उसके बाद फिर एक लास्ट एमसीक्यू सेशन रहेगा केमिस्ट्री का जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद बायोलॉजी शुरू कर देंगे, ठीक है भाई। ठीक बा चलो भाई, चलो भाई सबसे पहले सीमेंट की बात करें। सीमेंट तो भाई देखो आपको पता होना चाहिए कि सीमेंट जो है उसकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है। तो भाई यहां पे सीमेंट के अंदर क्या यूज होता है आपका? लाइमस्टोन, लाइमस्टोन यूज होती है, क्ले यूज होती है, और साथ में आपकी सैंड यूज होती है। इन तीनों चीजों को भाई बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, ठीक है। इनको भाई बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, किसके अंदर? एक किल्न होता है, किल्न भाई भट्टी आपकी बहुत तेज जलती है, उसके अंदर इन सबको हीट किया जाता है। तो भाई इससे जो है क्या बन जाती है? सीमेंट टाइप की चीज बन जाती है, डेट इज नोन एज क्लिंकर। अब इस क्लिंकर में भाई थोड़ी और चीजें मिला दी जाती हैं आपकी, ठीक
ठीक है, जैसे जिप्सम वगैरह मिला दिया, ठीक है, इसके अंदर क्या मिला दिया दोस्त, जिप्सम मिला दिया, तो हमारे पास क्या तैयार हो जाएगी, सीमेंट तैयार हो जाएगी। और जो सीमेंट है ना, वो सबसे जो कॉमन सीमेंट है जो आप यूजुअली यूज करते हो, डेट इज पोर्टलैंड सीमेंट, उसको पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं। तो अगर सीमेंट या पोर्टलैंड सीमेंट, ये दोनों में से कोई भी नाम यूज कर ले तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, आपको घबराना नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे आपका क्या होता है, लाइमस्टोन, अगर फॉर्मूले की टर्म्स में बात करो, लाइमस्टोन आपका यहाँ है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है लाइमस्टोन। सैंड जो है सिलिका वगैरह ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपका अब क्या होता है, ये जो आपकी सीमेंट है, ठीक है, अभी मैं और बताऊंगा इसके उसके बारे में, चलो पहले बता देता हूँ कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में, जैसे पेपर में पूछता है तो भाई पेपर में कई बार आपसे पूछ लेता है। तो जैसे क्या क्या इसके कंपोजिशन है सीमेंट के, तो आपका सबसे ज्यादा यूज होता है भाई कैल्शियम ऑक्साइड, लगभग 60 से 70% कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है। उसके अलावा भाई आपका सिलिका यूज होता है, इसको लाइम भी बोलते हैं, सिलिका SiO2 यूज होता है आपका 15 से 20%, ठीक है भाई। उसके बाद आपका भाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज होता है, आयरन ऑक्साइड यूज होता है, इस तरीके से ये ऑक्साइड्स वगैरह यूज होते हैं आपके, ये भाई 2 से 5% जो है यूज होते। उसके अलावा और भी ऑक्साइड्स वगैरह हैं भाई, जैसे MgO है, तो ये सब ऑक्साइड। तो सबसे ज्यादा आपका यूज होता है भाई ये लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और उसके बाद भाई ये सिलिका। तो ये आपके कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं सीमेंट के, जो कि इस्तेमाल होते हैं सीमेंट बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गन पाउडर का फॉर्मूला, बच्चे गन पाउडर एक सिंगल चीज नहीं है ना, एक सिंगल कंपाउंड नहीं है, वो मिक्सचर है, और मिक्सचर किस किस चीज का वो मैंने बता दिया, तो ऐसे सिंगल फॉर्मूला नहीं बताया जाता। अब आप सीमेंट का सिंगल फॉर्मूला बता दो, नहीं बता पाओगे, इन सब का मिक्सचर है, वो मिक्सचर है इन सब का, तो ऐसे सिंगल फॉर्मूला नहीं बता पाओगे ना। तो यहाँ पे भाई इन सबको हम मिला के क्या बना देते हैं, सीमेंट बना देते हैं। तो कई बार पूछा हुआ है भाई, ऐसे पूछ लिया ये इतना परसेंट किसकी कंपोजिशन है, या सीमेंट में सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, इस टाइप से वो सवाल आपसे पूछ लेगा, ठीक है। देखो भाई उपाध्याय जी जो मैराथन में कराए थे, एक तो पहली बात, अगर आप जनरली मेरे स्टूडेंट होते तो क्लास में ये फालतू की बात नहीं करते, ठीक है, आपको पता है कि आप पर्सनली मैसेज में डाउट क्लियर कर सकते हो, आप उसका इस्तेमाल, क्लास डिस्टर्ब नहीं करते। अब देखो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो ना 3.0 की, कल को कोई बच्चा इस क्लास की रिकॉर्डिंग देखे उसे क्या लगेगा, अरे क्या बार बार बीच में वही सवाल, उसके मन में ये आएगा। तो आप नहीं चाहते आप जैसे किसी का जो है वो चीजें खराब हो, वो ठीक से ना पढ़ पाए, तो इसीलिए ये चीज अवॉइड किया करो, है ना, क्लास में। और कोई और भी कर रहा हो तो प्लीज उसको आप समझाया करो, अगर कि भाई आप डायरेक्ट पूछ लेना, या तो कमेंट में बाद में, या फिर आप सर को मैसेज ड्रॉप कर दो, है ना, ये चीज आपका फर्ज बनता है। हर क्लास में आप मेरे एंड पे आके सोच के देखो कि हर क्लास में अगर सेम डाउट पूछा जाएगा तो, और वो भी डाउट क्लास भी नहीं है, ये चीज समझो आप, है ना। तो ये डिफ्रेंशिएट आप किया करो, थोड़ा सा सेंसिबल बनो, आप इतने सेंसिबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कि आपको तो मतलब एक सेकेंड चांस ही नहीं लेना चाहिए, यू मस्ट बी परफेक्ट इन एवरीथिंग, आपको हर एक चीज में मतलब एक ऑफिसर वाली फील लेनी चाहिए कि यस। तो ये वाली चीज यहीं से डिफरेंस शुरू होता है, इन छोटी छोटी चीजों से, ठीक है। चलो तो यहाँ पे भाई ये सीमेंट का आपका रोल है। अब देखो सीमेंट में अगर हम और चीजें मिला देते, मान लो सीमेंट में आपने भाई मिला दी जो है आपका क्या कहते हैं, और क्या क्या मिलाया जाता है भाई, क्या बोलते हैं उनको,
जो बाकी की चीजें हैं आपकी, नाम स्किप हो रहा है, मतलब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं वैसे बता रहा हूँ, उसमें भाई आपका देखो, एक तो हम इसमें सैंड मिलाते हैं, ग्रेवल मिलाते हैं, यानी जो आपका रोड़ी बजरपुर जिसे बोलते हैं, मैं उसके लिए कह रहा था, ठीक है, और हम साथ में मिलाते हैं पानी, तो इन सब से मिलके भाई आपका क्या बन जाता है, कंक्रीट, यानी मसाला बन जाता है। और इस मसाले के अंदर भाई सीमेंट लगभग आपकी 7 से 10% यूज होती है, ठीक है, और ये मैंने उनके लिए बताया है जो यहाँ चैट में जो है बातें करने या डिस्टर्ब करने आते हैं, क्योंकि पेपर तो निकलेगा नहीं, तो फिर आप कम से कम मसाला ही बना लोगे, ठीक है, मिस्त्री ही बन जाओगे, ठीक है, वरना नहीं, ये भी नहीं बताया मैंने, तो लेबर बनना पड़ेगा, लेबर की दिहाड़ी भी कम है ना, मिस्त्री की ज्यादा होती है, तो इसीलिए आपको हेल्प करेंगी ये चीजें, ठीक है भाई। जिप्सम अकेला थोड़ी है, जब आप इसमें यूज करोगे सीमेंट में, तो खाली जिप्सम थोड़ी है जो आप उसको हीट करोगे तो वो बन जाएगा, है ना, जिप्सम अकेला नहीं, और वो भी तो एक तरीके, देखो अब जिप्सम यहाँ पे क्या करता है, जिप्सम का रोल क्या है, आपको ये बता दूँ, वाई जिप्सम, क्योंकि सवाल आया हुआ है, जिप्सम क्या कर देता है, इट स्लोज डाउन, इट स्लोज डाउन सेटिंग ऑफ सीमेंट, यानी एक तरीके से ये इंक्रीज कर देता है, इंक्रीजेस सेटिंग टाइम ऑफ जिप्सम, मतलब सीमेंट, सीमेंट का सेटिंग टाइम इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ठीक है, खाली जिप्सम होगा तो उसको तो हीट करोगे तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे बनता ही है, पीओपी पढ़ाया मैंने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में, है ना, बिल्कुल भी, पहले क्लिंकर बन जाएगा, उसके बाद जिप्सम वगैरह ऐड होता है, ये सब फैक्ट्री से होके आता है, आपको बस कट्टा खोलना है और मिला देना, मसाला बनाना और अपनी वो करनी है, ऐसे लिपाई वगैरह करनी, तभी दिहाड़ी मिलेगी वहां, ऐसे उनको ये सब बताओगे तो वो भगा देंगे आपको, दूसरा मिस्त्री ले लेंगे, ठीक है, तो इसलिए आर्ग्यूमेंट नहीं करना, बिल्कुल भाई, सेटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज करने के लिए आपका क्या यूज होता है, जिप्सम यूज होता है, ठीक है, सेटिंग टाइम इंक्रीज करने के लिए क्या यूज होता है, जिप्सम, ये पेपर में कई बार पूछा हुआ है, यहां पे बेशक IMP लिख दो, IMP इंपॉर्टेंट, ठीक है, चलो भाई ठीक है, भाई चारों चीजें क्लियर हैं,
कुसुम राठौर भाई ज्यादा सीरियस ले गए इस चीज को, और वो पूछ रही हैं कि सर मोर्टार क्या होता है, और मतलब वो मसाले के बारे में और जानना चाहती हैं। मसाला ही होता है भाई आपका, आप सीमेंट में बजरपुर मिला दो, पानी मिला दो, तो जो मसाला बनता है आपका उसे मोर्टार कहते हैं। तो इतना भी सीरियस नहीं लेना था बच्चे, पढ़ना था अभी। तो एक दिन का 300 नहीं भाई, यहाँ आओ हमारे यहाँ अभी 600-800 चल रहा है, 600 लेबर का, 800 मिस्त्री का, आप आओ यहाँ। क्लियर है भाई मामला? इज द मामला क्लियर? गन पाउडर रोकी पढ़ा तो दिया बच्चे, गन पाउडर अभी तो पढ़ाया। ये था गन पाउडर, क्या हो गया इसमें बताओ? सॉल्ट पिटर यानी पोटेशियम नाइट्रेट यूज होता है, चारकोल यूज होता है, सल्फर यूज होता है, ये फ्यूल का काम करता है चारकोल, क्योंकि इसमें कार्बन है, कार्बन का कंबशन होगा, आपको हीट देगा, एनर्जी देगा, और उसके बाद भाई आपका ये ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट है, और जो सल्फर है वो इग्निशन टेम्परेचर कम कर देता है, तो ये सब यूज होता है। ठीक है, ठीक है भाई, चलो भाई ठीक है भाई। देखो इतना जो है सफिशियंट है भाई आपके लिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे तो इतना लगभग सफिशियंट है। जो जो चीजें हमने कवर की उससे आप इजीली 15 में से 12-13 क्वेश्चंस आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन तो भाई कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, उसके बारे में क्या कहना। बताया तो भाई टर्पेंटाइन ऑयल जो है आपका वो थिनर की तरह काम करता है, यानी सॉल्वेंट की तरह, वो पेंट को थोड़ा सा पतला कर देता है, स्मूथ कर देता है, ताकि दीवार पे अच्छे से यूनिफॉर्मली फैल सके वो, इसीलिए। आफ्टर टुमारो क्लास हर्ष सरोहा जी बताया तो बायोलॉजी शुरू करेंगे, बायोलॉजी बाकी है ना अभी। बायोलॉजी शुरू करेंगे ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर बताया तो शुक्ला जी, ये तो रहा इग्निशन टेम्परेचर कि मिनिमम टेम्परेचर जिस पे एक फ्यूल जलना शुरू करता है उसे कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। एक भाई कल आपकी क्लास रहेगी मिसलेनियस क्लास, मिसलेनियस क्लास रहेगी केमिस्ट्री की, जिसमें मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, उसके अलावा आपके डाउट्स लूंगा जो जेन्युइन डाउट्स होंगे, एग्जाम से रिलेटेड होंगे, यानी एग्जाम के अंदर जो केमिस्ट्री आती है उस लेवल के हों ज्यादा, क्योंकि देखो अब ऐसा भी नहीं है कि मुझे केमिस्ट्री में ही तुम्हें मास्टर्स करानी है,
तो इसीलिए सब्जेक्ट को लिमिटेड रखना जरूरी हो जाता है। और मैं कह रहा हूँ वहीं एक टीचर का रोल आता है कि वो लिमिटेड पढ़ाए अगर एग्जाम के लिए, ताकि आपका एग्जाम इजीली क्लियर हो जाए। वरना तो मुझे भी पता, खाली केमिस्ट्री देखोगे तो 1000 किताब है, तो वो 1000 किताब थोड़ी पढ़ने है आपको, पेपर क्लियर करना। तो ये डिफरेंस समझो, ठीक है। चलो बायोलॉजी कवर करेंगे भाई, बिल्कुल। अरिजीत जी, अभी मैथ की क्लास शुरू नहीं हुई है बच्चे। हर्षिता, उसके बाद एक एमसीक्यू सेशन रखने का सोच रहा हूं मैं, आपका या तो 3 को या 4 को, जब भी पॉसिबल हुआ। अभ्यास 3.0 सब चैनल पे ही है बच्चे, प्लेलिस्ट में जाके देखो। चलो भाई कंप्लीट माने फिर इसको। ये देखो भाई, राघव जी ने कॉपी करके दे दिया है गूगल से। नितेश ठाकुर जी कह रहे हैं बायो की कितनी क्लास होंगी? लगभग भाई आपका हो जाएगा 22-23 क्लास में सिलेबस मैक्सिमम है इतना। हरिदत्त जी, बेटा हेल्पलाइन नंबर है आपका, टीम का वेबसाइट है, वहां जाके आपको जो भी क्वेरी हो ऑफलाइन से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हो। चलो कोई नहीं कुसुम, देखो जानने की जरूरत भी नहीं है, ईओसिन वगैरह ये सब आपके मतलब पेपर से आउट ऑफ सिलेबस है। दूसरा ये सब ऐसे मतलब डाई वगैरह के अंदर पिगमेंट, कलरिंग पिगमेंट वगैरह की तरह यूज हो जाते हैं इंक के अंदर, ठीक है, कई सारे मल्टीपर्पज होते हैं, वो आपका जरूरत नहीं है। पीडीएफ बच्चे टेलीग्राम पे लिंक डाला हुआ है, वहां से आपको मिल जाएगी, ठीक है। कोई नहीं प्रतीक ठाकुर जी, मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। चलो भाई अच्छी बात है, की तो तुमने शुरू आज से ही पढ़ाई। चलो भाई अच्छी बात है, कॉपी नहीं किया तो बाकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो भाई आई थिंक चारों चीजें क्लियर होंगी भाई, हमने चारों चीजें कवर कर ली है, ठीक है। क्या क्या कवर किया हमने? पेंट, मैचस्टिक, गन पाउडर और सीमेंट। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है, ये टॉपिक एटलीस्ट एक बार तो आपको पढ़ने ही चाहिए, बेसिक तो इनका पता होना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है तो 90% चांस हो जाता है कि आप उसको सही कर दो, ठीक है। चलो भाई ठीक है फिर, चलो भाई ठीक है फिर, मिलते हैं आपसे, आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में कुछ बातें करेंगे मिसलेनियस, उसके अलावा भाई केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, किसी क्वेश्चन में डाउट फील हो तो वो मुझे या तो पहले ही भेज देना इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे, जहां भी भेजो आप, ताकि उसको क्लास में हम डिस्कस कर पाए अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है, वरना प्रैक्टिस में आपके वो डाउट्स क्लियर हो ही जाएंगे जब भी हम करते हैं चैप्टर के बाद। चलो चलो भाई, मैथ की है या नहीं भाई वो आप देख लेना, चैनल पे दिखा रहा होगा अपकमिंग में अगर है कि नहीं है। है भाई क्लास ऑलरेडी शेड्यूल्ड है अभी 9:15 पे। चलो चलो भाई फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे। चलो कल मुलाकात होगी, तब तक ऐसे ही अपनी तैयारी जारी रखो, पढ़ाई करते रहो, कीप लर्निंग। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।